हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं आईपीएल बिजनेस मॉडल। भैया बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है, बता रही हूँ, खूब पैसे वाला मॉडल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। कोई भी टीम इस 20 करोड़ के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती कि पता चले सब लोग साठ गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा के खिलाएं। डीएलएफ ने आईपीएल की बजाय डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ दिए, इसलिए बीसीसीआई ने डेकन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दी थी। चाइना और इंडिया विवाद के चलते फिर ये चीज टाटा को दी गई। और जब इतने लोग एक साथ कोई चीज देखते हैं तो वहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी के पास पैसे हो तो वो जाके आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग या कंपनीज ही होती हैं जो आईपीएल की टीम खरीद सकती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं, प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट होते हैं और इतना पैसा लगाने के बाद भी आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है। देखिए, अगर किसी को भी आईपीएल की टीम खरीदनी है तो दो ही तरीके हैं उसके पास, वो आईपीएल टीम उसी तरीके से खरीद सकता है। पहला तरीका है कि जो आईपीएल की टीम ऑलरेडी है उनके ओनर से जाके बात करे, उनके शेयर खरीद ले, जैसा कि एलआईसी ने किया। LIC ने 6% शेयर खरीद लिए चेन्नई सुपर किंग के। और दूसरा तरीका है कि वेट करें जब BCCI अनाउंस करे नई टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे लेके पहुंच गए तो आपके लिए टीम बना दी जाएगी। BCCI को जब टीम ऐड करनी होती है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जब BCCI इनवाइट करता है लोगों को टीम खरीदने के लिए तो वही टीम अप्लाई कर सकती है जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज्यादा हो। देखिए, वैल्यूएशन को आप मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी की कमाने की क्षमता। अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो जब BCCI इनवाइट करती है तो जो एलिजिबल कंपनीज होती हैं उनको ITT इनविटेशन टू टेंडर खरीदना होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए प्लस GST। ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। इसके बिना आप आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस में बैठ नहीं सकते। अभी ITT किसी दुकान पे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको ईमेल करना होता है। जैसा कि इस बार BCCI ने कहा था 2021 में कि जिसको भी ITT चाहिए 5 अक्टूबर 2021 से पहले वो ईमेल कर दे ITTIPL2021@BCCI.TV पे। और जरूरी नहीं है कि आपने ITT खरीद लिया तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ ही जाएंगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीजन के आपका ITT कभी भी कैंसिल हो सकता है। जो लोग इसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं सिर्फ उनको ही बिडिंग प्रोसेस में बैठने का मौका मिलता है। बिडिंग प्रोसेस में जो टीम होती है उनका एक बेस प्राइस होता है, नॉर्मली 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है कि इससे कम में तो टीम नहीं बिकेगी। उसके बाद बोली लगती है और जो ज्यादा पैसे देता है टीम उसकी हो जाती है। जैसा कि इस बार लखनऊ 7000 और अहमदाबाद 5000 करोड़ से भी ज्यादा में बिकी थी। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। कौन से प्लेयर्स पे बिडिंग होगी, इसके लिए प्लेयर्स को भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अब अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। तीन तरीके से प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं। पहले होते हैं कैप्ड प्लेयर, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी मैच टीम इंडिया से खेला होता है उनको कैप्ड प्लेयर बोलते हैं। दूसरे होते हैं विदेशी टीम्स के प्लेयर और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर। इन प्लेयर्स को स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सेलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर्स का पूल बन जाता है, जिसमें से 500 या फिर 600 शॉर्टलिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हार्दिक पांड्या। वो एक अनकैप्ड प्लेयर थे जो कि स्टेट के रिकमेंडेशन पे आए थे। जब एक किसान एपीएमसी मंडी में जाता है अनाज की बोली लगवाने, तो बोली लगवाने वाले साठ गांठ कर लेते हैं आपस में और किसानों को नुकसान होता है, इसलिए किसान MSP की डिमांड करते हैं। सेम यही चीज आईपीएल में ना हो कि पता चले सब लोग साठ गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा के खिलाएं। इस चीज से बचने के लिए प्लेयर जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो अपना बेस प्राइस सेट करते हैं। ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस में प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ही टीम पैसे का जोर दिखा के सारे अच्छे खिलाड़ी अपनी टीम में रख के वर्ल्ड 11 ना बना दे और आईपीएल का सारा मजा खराब ना हो जाए, इसलिए बिडिंग प्रोसेस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं हो सकते। हर टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे तो पर्स, और भी चेंजेस हो गए। पर्स की लिमिट होती है, पहले लिमिट 85 करोड़ की थी और अब इसको 90 करोड़ कर दिया गया है। इस 90 करोड़ में से 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ होता है। और फिर ग्रुप्स में बिडिंग होती है, जैसे बैट्समैन के ग्रुप आएंगे, फिर बॉलर्स के ग्रुप आएंगे और उन ग्रुप्स में बिडिंग होगी। सही प्लेयर सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टीम्स डेटा साइंस का यूज करती हैं।
किस प्लेयर की हार्ड हिटिंग एबिलिटी ज्यादा है, कौन सा प्लेयर मैच विनर है, या दो सेम स्टैट के प्लेयर में से किस पे ज्यादा पैसा देना चाहिए, गारंटी नहीं है। में डेटा साइंस की मदद टीम्स का भी मोटी सैलरी देके इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, और सिर्फ आईपीएल ही नहीं बाकी फील्ड्स में भी आजकल डेटा एनालिस्ट का यूज करना कंपनीज के लिए ऑप्शन मार्केट में सस्टेन करने के लिए, और यही रीजन है कि इतनी पॉपुलर स्किल बनती जा रही है और इसका यूज करके लोग अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप मद्रास कैलटेक यूनिवर्सिटी के अलावा भी अब से एमएस डिग्री यूएस की क्लार्क यूनिवर्स और गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंट तो फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर्स देता है, तो आप भी स्टार्ट करिए। रोल्ड वे में लगती है 20 लाख से 1 करोड़ का जिनका बेस प्राइस होता है जिन प्लेयर्स का, उनकी बिडिंग 5 लाख से आप बढ़ा सकते हो, 1 से 2 करोड़ की बिडिंग में आप 10 लाख से प्राइस बढ़ा सकते हो, ऐसे करके सारी टीम कंप्लीट होती है और उसके बाद हर साल मिनी मीटिंग होती है। मिनी मीटिंग में टीम्स के जो प्लेयर्स होते हैं जो यूजफुल नहीं लगते उनको, वो उनको रिलीज कर देते हैं और सारे रिलीज प्लेयर और न्यूली एडेड प्लेयर्स में बिडिंग होती है। हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन होता है, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, जिसमें टीम्स को 4 प्लेयर्स छोड़ के बाकी सारी टीम्स के प्लेयर को रिलीज करना होता है। एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, टीम खरीदना है, सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स की फीस होती है, एडमिन और ऑपरेशन कॉस्ट, इसके बाद भी पूरे मंथ आईपीएल के जो मैचेस अलग अलग जगह पे होते हैं तो होटल और फ्लाइट्स की टिकट, बहुत सारा पैसा लगता है। और उसके बाद भी जो पैसा टीम्स कमाती है उसका 20% बीसीसीआई को देना होता है। इतना पैसा लगाने के बाद भी सिर्फ 20 करोड़ जीतने वाली टीम को मिलता है, तो आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अलग है। कोई भी टीम इस 20 करोड़ के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती, तो आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? देखिए, आईपीएल की टीम की सबसे पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं सिर्फ वही चैनल आईपीएल को दिखा सकता है। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास थे, तो उस टाइम पे आपको अगर आईपीएल देखना है तो सोनी पे ही देख सकते हैं आप। इस चीज के लिए सोनी ने 10 साल के लिए 8200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद बिडिंग हुई और 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट मिलते हैं। कौन सी टीम का आईपीएल पैसा आता है? ये 50% बीसीसीआई को जाता है और बाकी 50% आईपीएल टीम्स में डिवाइड होता है। पहले इस पैसे में से 20% बीसीसीआई रखती थी और 80% टीम्स को जाता था। 50 धीरे धीरे ये शेयर्स बढ़ा बढ़ा के अभी 50-50% हो गया। अब चैनल इतना ज्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए देते क्यों है? ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपीएल बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 के आईपीएल वर्ल्ड में तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था, और जब इतने लोग एक साथ कोई चीज देखते हैं तो वहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के बीच में जो आप 10 सेकंड का एड देखते हैं उसके 12 से 13 लाख जाते हैं। ऐसा ये अमाउंट बहुत कम लग रहा है, लेकिन 45 डेज के पूरे इवेंट का जब आप टोटल करोगे तो बहुत बड़ा मुनाफा होता है। इसलिए सारे चैनल्स बोली लगाने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा आईपीएल को कभी भी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता है, कभी उसको डीएलएफ आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल, और आजकल इस बार कौन सा आईपीएल बोला जाएगा। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल के नाम के साथ बुलवाने के लिए कंपनियां काफी पैसा देती हैं, और हर कंपनी चाहती है अपना नाम जोड़ना, इसलिए इसकी बोली लगती है जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 2008 से 2012 स्टेडियम के नाम भी ऐसे हैं। फिर अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ दिए, उसके बाद वीवो ने 2199 करोड़ दिए 2018 से 2022 तक के लिए। चाइना और इंडिया विवाद के चलते फिर ये चीज टाटा को दी गई 300 करोड़ पर ईयर में। इसका जो भी रेवेन्यू आता है 60% बीसीसीआई रखती है और 40% टीम में डिवाइड हो जाता है। ग्राउंड में मैच होता है, उस ग्राउंड में टिकट प्राइस क्या रहेगा ये होम टीम डिसाइड करती है। ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है, जिसमें से 80% होम टीम रखती है और बाकी का जो उस पर्टिकुलर ग्राउंड का एसोसिएशन होता है उसको जाता है। टीम के प्लेयर्स जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें अगर आप कोई भी लोगो या नाम देखेंगे तो उसके लिए ब्रांड पैसे देते हैं। पूरे मैच के दौरान उस ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर कोई भी कंपनी का नाम आप देखोगे, जैसे कि बाउंड्री रोप्स पे, विकेट्स पे, हेलमेट पे, बैंड को अलाउड नहीं होना चाहिए, एम्पायर की टी शर्ट पे, जहां जहां भी आप नाम लिखा हुआ देखोगे किसी कंपनी का, वो सब के लिए पैसे मिलते हैं टीम्स को। इसके बाद टीम के ओनर अपनी टीम के प्लेयर से दूसरी कंपनियों के ऐड भी करवाते हैं। जो भी एड्स टीम की जर्सी पहन के प्लेयर करते हैं वो टीम के ओनर के पास जाता है। अच्छा। इसके साथ साथ हर टीम ओनर के खुद के ब्रांड्स और प्रमोशंस भी होते हैं, वो प्लेयर से ही करवा लेते हैं अपनी टीम के। जैसे कि आपने देखा होगा एड वो जियो दंदनादन। इसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज होती है, टीम के नाम की टी शर्ट्स, बैट, किट्स, कप्स वगैरह, अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं, और इसका सारा पैसा डायरेक्टली टीम के ओनर्स को जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में ध्यान जाता है विनिंग अमाउंट पे। विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलते हैं और रनर अप को मिलते हैं 12.5 करोड़, जिसमें से 50% टीम का ओनर रखता है और बाकी का जो 50% होता है वो प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा। कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल जो एक टीम कमाती है उसका 20% उसको बीसीसीआई को देना होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि टीम के ओनर्स बहुत दिल से चाहते हैं कि टीम जीत जाए, एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए क्योंकि ये 4 टीम्स जब क्वालिफाई करती हैं तो बाकी टीम्स के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीम्स को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं।
एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा टिकट्स, एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स और एक्स्ट्रा पैसे। दूसरा फायदा यह होता है कि जब टीम टॉप में पहुंचती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, उसको बाकी टीम्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप के। अब जो पैसा सीएसके एडवर्टाइजमेंट का लेती है और जो पैसा पंजाब लेती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो विनिंग टीम होती है उसको एडवांटेज रहता है। दूसरी चीज होती है कि टॉप फोर टीम्स को चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का मौका मिलता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वहां जाने पर उनको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं, तो जो प्रॉफिट सिर्फ आईपीएल तक रहता है वो वहां पे मैच खेलने से और बढ़ जाता है। शुरू के 10 साल आईपीएल टीम्स घाटे में रही, ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स अपनी टीम के खिलाड़ियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, इसलिए बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दी थी। डेक्कन चार्जर्स तो उस टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन बाकी टीम्स टिकी रही क्योंकि ये सारी टीम्स के खुद के ब्रांड्स और प्रोडक्ट थे जिनका इन्होंने आईपीएल टीम का यूज करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया। लेकिन जैसे ही स्टार इंडिया ने मीडिया राइट्स दुगने और तिगने दामों में लिए, सारी टीम्स को प्रॉफिट आना शुरू हो गया और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप और बाकी एडवर्टाइजमेंट के प्राइस भी एकदम से बढ़े। अब जो लोग आईपीएल के इस अरेंजमेंट के खिलाफ है उनका कहना है कि मेन इनकम इनकी स्पॉट फिक्सिंग से होती है। एक दो केसेस जब राजस्थान और सीएसके 2 साल के लिए बैन हुए, उसके अलावा मुझे कोई भी प्रूफ नहीं मिला जहां पे स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई हो। तो अब ये होती है कि नहीं होती है ये एक बहस। बैन हुए तो होते ही होगी भैया, बीसीसीआई तो बड़ा कमाती है, कुछ भी नहीं करके। बीसीसीआई जो है कौन सी एंटिटी है, उसको कौन ओन करता है? ओन तो पता नहीं, पहले तो जयशाही था उसका। ओन कौन करता है वो? ठीक है, हेड ओन तो कोई नहीं होता होगा, ओन भी होता है क्या? किसका स्टेक है? जो इतना पैसा कमाते हैं बीसीसीआई वाले, वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता भैया बता, नए स्टेडियम्स बनाने जाता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? नए स्टेडियम्स बन जाता है क्योंकि ये तो खर्चा कुछ कर नहीं रहे, बीसीसीआई तो कुछ खर्चा नहीं करती। पब्लिक एंटिटी है क्या, उसके आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब कुछ देख सकते हैं क्या? क्या वो पब्लिश करती है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड की? कोई भी इंसान जो है उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख सके और पता कर सके क्या मामला है? पैसा तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, कुछ भी नहीं करना। अगर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होगी तो उसको तो निकालनी पड़ेगी अपनी स्टेटमेंट्स, बताना पड़ेगा यहाँ पैसा गया, ये गया, वो गया, आप कुछ कुछ कर सकते हैं। अगर 100% प्राइवेट एंटिटी है तो कौन है उसका मालिक? वो सबसे उसका मतलब वो जबरदस्त कंट्रोलर है, क्योंकि इसमें जो भी लग रहा था हर चीज है बीसीसीआई को जा रहा था, 50% से ऐसा लग रहा है 60% हो गया जो बिना बीसीसीआई के चले जाए पैसा, कहीं जो भी पैसा जा रहा है बीसीसीआई लेगा, बीसीसीआई आएगा, वो बीसीसीआई ने हर जगह पे थोड़ा ले रखा है। नहीं और सबसे मजेदार तो 80% ले रखा। हाँ, सबसे मजेदार ये था कि मुझे लगा कि जो आईपीएल के प्लेयर्स होते हैं उनको एक बार ये आपने ले लिया तो उसके बाद वो जो पैसा कमाया उन्होंने जब ऑक्शन हुई है तो उसमें जो कमाया वो ही है। अब ये नहीं पता था कि उसके बाद भी अगर जब जीतते हैं और जब वो विन मिलती है तो वो विन का भी वो आईपीएल का जो टीम है वो उनके जो ओनर्स है वो कुछ परसेंट ले रखते हैं और कुछ परसेंट जो है फिर प्लेयर्स में भी बटता है, वो और भी बहुत चीजें बटती हैं। और दूसरा मुझे लगता था जब ये एड उड करते हैं जर्सी पहन के ये प्लेयर्स को पैसे मिलता है, पर प्लेयर्स को नहीं होता, वो भी उनकी टीम को पैसे मिलते हैं जब वो ब्रांड की एड करते हैं। बिडिंग में जो पैसा है वो तो प्योरली वो तो उन्हीं का अपना होता है। और ये बताओ कि वो जब अपना बेस प्राइस बिडिंग के टाइम डिसाइड करते हैं वो खुद करते हैं? ओ तो ये जब 2 करोड़ बोलते हैं तो खुद डिसाइड करके बताते हैं कि मगर हम 2 करोड़ से शुरू होएंगे। अच्छा वाह, मजा आया देखने में और इससे पता चला भाई और क्या बिजनेस है। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।